ग्रामर ग्रामर रूल्स डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे ग्रामर और ग्रामर रूल्स के बारे में बात करनी है कि व्हाट इज़ इट्स पर्पस एंड हाउ वी यूज़ ग्रामर रूल्स फॉर सेंटेंस मेकिंग सो ग्रामर इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ आवर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवर रूल्स या आवर आइडियाज़ आवर आवर टॉक्स to to make communication for better communication. So grammar is defined as a system of language rules that allow us to combine individual words uh, into uh, sentences. और इनको जो combine करना होता है sentences को वो uh, rules के तहत करना होता है. और हम grammar के rules apply करते हैं multiple uh, sentences को बनाने में उनकी production में. सो बाई अप्लाइंग ग्रामर रूल्स टू यंग यूल मेक इट स्ट्रॉगर क्लियर एंड अफेक्टिव तो आप जो जो ग्रामर रूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज को अपने सेंटेंसेस को ज़्यादा क्लियर ज़्यादा वाज और इफ़ेक्टिव बनाएंगे और इन ग्रामर रूल्स हमें ये बताते हैं कि हा हाउ वी कम्बाइन देंटेंसेज हम किस तरह सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और चेंज डिफरेंट सिचुएशन यानी ये ये देखें कि हर वक्त हर जगह पे एक ही सिचुएशन में सेंटेंसेस नहीं बोले जाते बल्कि वो सिचुएशन के मुताबिक बोले जाते हैं और उनमें जो चेंजेस भी आती हैं सेंटेंसेस में वो ग्रामर की में चेंजेस भी सिचुएशन के मुताबिक आती हैं और ग्रामर हमें ये बताती है कि हम किस तरह कंबाइन करें इंडिविजुअल वर्ड्स को और कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स को और कम्युनिकेट इफेक्टिवली यानी ये देखें के कॉम्प्लेक्स uh, मीनिंग्स uh, बनाना सेंटेंसेस में वर्ड्स को मिलाकर फिर इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना और ग्रामर के रूल्स लर्न करते हुए uh, आप बेटर वे से बेहतर अंदाज से आप लिख सकते हैं आप बोल सकते हैं और uh, फिर अपनी राइटिंग में के लिए आप एक स्टाइलिस्टिक चॉइस uh, आप कर सकते हैं यानी आप एक वाज स्टाइल आप उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रामर को यूज़ करते हुए और ग्रामर रूल से ही हमें पता चलता है कि हम अपनी लैंग्वेज में क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जो हमारी लैंग्वेज को ख़राब करती है हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स पैदा करती है तो आम तौर पर क्या हो सकता है इनकरेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट या वर्ब आर या फिर आ, आ, मिसिंग कॉमास एस वगैरह यानी ये डिफरेंट चीज़ें हैं जब इनको हम मिस यूज़ करते हैं या इनको गलत अंदाज़ में लिखते हैं तो ये भी हमें ग्रामर ही बताती है ग्रामर रूल्स ही बताते हैं सो so, अपनी ग्रामर को शार्प रखते हुए यानी अपनी चीज़ों को रेडी uh, रखते हुए इट इज़ एसेंशियल और फॉर फर्स्ट इम्प्रेशन डिटर्मेंस हाउ इफेक्टिवली यू राइट तो ये हमें पता चलता है कि हम ग्रामर से कि हम किस तरह इफ़ेक्टिवली हम लिख सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं और प्रोफेशनल uh, राइटिंग के लिए आ, आप अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे और उसके बेसिक टिप्स जो हैं डिस्कवर हाउ इंग्लिश ग्रामर वर्क्स डिवाइनिंग इनटू ग्रामर यानी आप uh, जो ग्रामर है उसमें आप उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं यानी लैंग्वेज की स्टडी करते हुए ग्रामर रूल्स की स्टडी करते हुए आप उसको किस तरह बेहतर अंदाज से आप यूज़ कर सकते हैं और लर्निंग रिसोर्स भी है इसके लिए ज़रूरी हैं और फिर हमें रिसर्च में भी स्टडी करनी चाहिए उसकी फाइंडिंग्स भी ग्रामर के रूल्स के सिलसिले में मुख्तफ टॉपिक्स की स्टडी में और अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच तादाद में तो नाइन है ये मुख्तफ हैं और इनको इनका जो इनके बगैर हमारी लैंग्वेज जो है पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम कहें तो वो कंप्लीट नहीं होती और ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच ये डिफरेंट अंदाज में हम यूज़ हो रहे हैं और इसमें क्या है कि आ, जो वर्ब है एडवर्ब है प्रेपोजिशन है और फिर पंक्चुएशन है तो ये अगर हम प्रैक्टिस करेंगे उनके इस्तेमाल की तो इससे फिर ये बेहतर होगी और इससे हमें फिर अपनी ग्रामर्स की जो मिस्टेक्स हैं वो भी हमें पता चलती है हम उनको अवॉइड करते हैं और हमारी लैंग्वेज पॉलिश हो जाती है और ग्रामर uh, रूल्स की बदौलत हम इन्शोर करते हैं कि हमारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं हम जो बोल भी रहे हैं जो लिख रहे हैं वो सब और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का टर् करेक्ट यूज़ है और करेक्ट ऑर्डर के तहत उसको हम uh, लगा रहे हैं और उसमें देखें प्रपोजिशन है कभी ये ये वर्ब फ्रेज से मत या नाउन फ्रेज से पहले या बाद में आती है तो इस तरह ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है और हमें ये पता चलता है कि किस तरह दो कम्पाइ कंबाइन करने के लिए दो आ, कम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम कहाँ काम्बन लगाएंगे कि वो सेंटेंस जो है कंपाउंड कौं, सेंटेंस बन जाएगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा अब ये देखें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जैसे वर्ब है तो वर्ब क्या है ये एक्शन वर्ड है ये जाहिर करता है किसी काम का करना या होना इसी तरह नाउन है ये डिस्क्राइब करता है किसी प्लेस पर्सन थिंग को और प्रोनाउंस है ये रिप्लेस करता है नाउन को या सब्जेक्ट को जब हम उसमें यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में तो वो उनको रिप्लेस करता है फिर एडजेक्टिव क्या है ये क्या है कि किसी को डिफाइन करता है क्वालिटी क्वांटिटी और कलर या किसी की जो मतलब उसकी इसमें सिफ्त वैसे उर्दू में हम इसे कहते हैं सो एड वर्ब है जो ये क्या है वर्ब्स के मीनिंग्स में एड करता है ठीक है और आर्टिकल्स ए एन ये तीन आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल्स भी ये है कि करेक्ट सेंटेंसेस मेकिंग के लिए हमें जहां हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वहां आर्टिकल्स का भी इस्तेमाल होगा तो तब हमें मतलब फिक्र वो सही बनेगा और प्रपोजिशंस प्रपोजिशंस जो है ये भी डिस्क्राइब uh, करते हैं किसी जगह ये पहले यूज़ होता है और ये चीज़ों की लोकेशन टाइम और उन सब के बारे में बताता है और कंजक्शन वर्ड्स ये जॉइन करते हैं और इंटरजेक्शन ये जो वर्ड्स हैं ये इमोशंस को के बारे में बताते हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम करेक्टली यूज़ करते हुए हम अपनी लैंग्वेज के बेहतर अंदाज में बता सकते हैं और अपने सेंटेंसेस को हम बोल भी बेहतर अंदाज में सकते हैं और राइट भी बेहतर अंदाज में हम कर सकते हैं सो ग्रामर रूल्स में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स इनकी भी स्टडी ज़रूरी है और ग्रामर चेकर यानी हमें ये इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे हम अपने ग्रामेटिकल सेंसेस को अपने सेंटेंसेस को चेक कर लें ताकि हम अपनी अपनी लैंग्वेज जो है वो करेक्ट हो और उससे बेहतर और क्लियर और इफ़ेक्टिव कम्यूनिकेशन हो